तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैन सीक्रिक फैन के एक और नए वीडियो में। गाइस इस वीडियो में कवर करेंगे जो फैन को डी सी एस टी डेन मिलन का जो मैचेस खेले जाएंगे बीओजी वर्सेस एएलबी के बीच में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर पर एनालिसिस की एंड सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और गाइस साथ ही बात करेंगे बैटिंग ऑर्डर गाइस पॉसिबल प्लेइंग इलेवन की और दोनों टीमों के गाइस कौन सी ओपनर बैट्समैन है कौन सी डेथ में बॉलिंग करते हैं। अगर पूरी एनालिसिस लेकर इस वीडियो में आए तो बस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। अदरवाइज अगर सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि गाइस इससे रिलेटेड अगर हम किसी भी दूसरी वीडियो को जब भी अपलोड करेंगे उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो गाइस चलते हैं प्लेयर पर एनालिसिस कर लेते हैं। और गाइस सबसे पहले तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स क्रिक फैन का टेलीग्राम चैनल को, तो गाइस आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। लाइनअप के बाद अगर टीम में गाइस जो भी अपडेट होगी फैन टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है जहाँ पर गाइस 1.8 के सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर बहुत अच्छे विनिंग कर रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं आप सबको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली गाइस आप एडेड फैंटसी क्रिक फैन सर्च कर सकते हो बहुत इजी, या फिर एडेड फैंटसी क्रिक फैन सर्च करो तो या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करो, नीचे लिंक दे दिया हूँ। जैसे गाइस आप लिंक पर क्लिक करोगे ना तो सेम हमारे टेलीग्राम चैनल में जगह जहाँ पे गाइस 1.8 के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जुड़ेंगे। तो गाइस देखो विन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, अदरवाइज फाइनल टीम जो भी मेरे एक अपडेटेड टीम होती है यानी कि एक जो विनिंग टीम होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो जहाँ पे गाइस आपको जुड़ने के लिए कुछ भी मतलब अगर फ्री में टीम प्रोवाइड की जा रही है तो गाइस एडेड फैंटसी क्रिक फैन सर्च करो या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइस चलते हैं प्लेयर पर एनालिसिस कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स लिखे जो कि इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएल के लिए गाइस स्मॉली के लिए। गाइस अदरवाइज जो भी मेरे कम्युनिटी में होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी अडल्ट फैंटसी क्रिक फैन सर्च कर लो। ये मुकाबला गाइस आपको 2:30 बजे करीब में देखने को मिलेगा, तो गाइस एक्टिव रहना टेलीग्राम चैनल पर गाइस। और यहाँ पर बीओजी की टीम जो रिसेंटली 5 मैचेस खेले थे वहाँ पर 3 मुकाबले 1 किए थे, 2 रिसेंटली मैचेस लॉस करके आ रही है। जो एएलबी की टीम रिसेंटली जो 5 मैचेस खेले थे वहाँ पे 2 मुकाबले 1 किए थे, 2 मुकाबले लॉस किए थे, 1 मुकाबले गाइस यहाँ पे यानी कि ड्रॉ हुआ था। तो गाइस देखो यहाँ पर जो बीओजी की टीम नजर आएगी रिसेंटली थोड़ी सी गाइस स्ट्रॉन्ग नजर आएगी, उनका एवरेज भी बैटिंग एवरेज भी बहुत बेहतरीन रहा। अदरवाइज बात करते हैं अगर बीओजी के प्लेयर स्टैट्स के बारे में तो गाइस यहाँ पे थोड़ी ध्यान से सुनना, अदरवाइज स्टैट्स गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज डिटेल्स में बात कर लेते हैं, गाइस सबसे पहले आपको सचिन नजर आएंगे, रिसेंटली गाइस ओपनिंग कर रहे हैं हर एक मुकाबले में गाइस, और बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से रही थी। और गाइस बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, पहले मुकाबले 3/1 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गाइस 1/2 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गाइस 2/2 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गाइस यहाँ पे 9/2 विकेट, उसके बाद देखे तो गाइस 6/26 पे यानी कि 1 विकेट। गाइस बैटिंग से कुछ खास बेहतरीन उन्होंने किया नहीं था, पर गाइस आपको यहाँ पर विकेट निकल कर अच्छे खासे परफॉर्म कर देंगे इस मैच में। तो गाइस अपने स्मॉली की टीम में जरूर से यूज़ कर लीजिएगा जो कि आपको अच्छे खासे विनिंग करवा कर दे सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर जीएल का टीम खेल रहे हो तो अगर जीएल का टीम में 2 से 3 टीमें कैप्टन आपको जरूर से यूज़ कर लेना जो कि आपको इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज जो भी मेरे कम्युनिटी टीम हो गया आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी अडल्ट फैंटसी क्रिक फैन सर्च कर लो या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। रिसान की बात करें इनकी रिसेंटली मुकाबले 3 उन्होंने खेल चुके हैं जहाँ पर गाइस पहले मुकाबले 2 का स्कोर किया था, कुछ खास बेहतरीन इनका गया नहीं। तो गाइस अब ग्रैंडी की टीम यूज़ करना, स्मॉल ही कुछ खास बेहतरीन इनका स्टैट्स रहा नहीं। उसके बाद आपको सुपुन तुरंगा नजर आएंगे, रिसेंटली 4-5 मैचेस खेल चुके हैं, पहले मुकाबले 38/5 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गए 31 का स्कोर किया था, उसके बाद गए 6/1 विकेट, उसके बाद गए 1/1 विकेट, लास्ट मुकाबले गए 33 का स्कोर करके आ रही है। यानी कि सिर्फ आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों सबको परफॉर्म कर देंगे। तो वैसे स्मॉली के काफ़ी बढ़िया पिक रहेंगे, स्मॉली की टीम आप इन्हें जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। ग्रैंडली खेल जो तो ग्रैंडली की टीम आपको कैप्टन जरूर से यूज़ कर लेना, स्मॉली गैस काफ़ी बेहतरीन पिक बनाते हैं, रिसेंटली मुकाबले का बहुत बेहतरीन जा रहा है। उपल गैस नजर आएंगे जो गैस रिसेंटली मुकाबले इन्होंने 4-5 मैचेस खेल चुके हैं, पहले मुकाबले 5/1 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गैस 15/0 विकेट जहाँ पर 1 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद देखे तो गैस 26/0 विकेट, उसके बाद देखे तो गैस यहाँ पर इन्होंने 0 विकेट निकाला था जहाँ पर 1 ओवर के बॉलिंग डाला था, उसके बाद गैस एक विकेट लिया था 2 ओवर के बॉलिंग करके। तो गैस आपको विकेट टेकर्स नजर आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, आपको इस मैच में विकेट निकाल दे सकते हैं। बैटिंग से इनका कुछ खास बेहतरीन स्टार्ट रहा नहीं तो कोई विकेट से उम्मीद कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्रैंडली का टीम कैप्टन जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एम फर्नांडो नजर आएंगे, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे ओपनिंग बैटिंग करने के लास्ट मैचेस में आए थे जहाँ पर 11/0 विकेट निकाला था, 2 ओवर के बॉलिंग किए थे। अदरवाइज उसके पहले के मैचेस कुछ इस तरह से खेले गए थे, पहले मुकाबला 0 विकेट, उसके बाद देखे तो यहाँ पर 31/1 विकेट, उसके बाद देखे तो गए यहाँ पर 6/1 विकेट, उसके बाद देखे जाते 33/0 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे। यानी कि कैसे बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो कैसे एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे स्मॉली की टीम, आप इन्हें यूज़ कर लीजिएगा। ग्रैंडली खेल रहे हो तो ग्रैंडली की टीम आपको याद रहे कैप्टन जरूर से यूज़ करते हो, तो अपनी स्मॉली की टीम अभी कैप्टन ही बना सकते हो। पर कैसे एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे स्मॉली की टीम, आप इन्हें जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो और यहाँ के कुछ खास मतलब यहाँ पर एक भी मैचेस इनको खेला नहीं गया था, अब खेलते ग्रैंडली के यूज़ में ग्रैंडली की टीम यूज़ करना। उसके बाद आपको गाइस निरंगा नजर आएंगे, रिसेंटली 4 मैचेस खेल चुके हैं, पहले मुकाबले 2 विकेट निकाले थे 1 ओवर के बॉलिंग करके, उसके बाद गाइस यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे, उसके बाद 10/1 विकेट, उसके बाद देखे तो गाइस 1 विकेट 2 ओवर के बॉलिंग कर रहे हर एक मुकाबले में,
तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे। स्मॉली की टीम आप इन्हें जरूर से यूज़ कर लीजिएगा, जो कि आपको अच्छा खासा विनिंग करवा कर दे सकते हैं। उसके बाद रोशन नजर आएंगे, रिसेंटली 4-5 मैचेस खेल चुके हैं। पहले मुकाबले 1 विकेट निकालते जहां पर एक ओवर के बॉलिंग किया, उसके बाद 2 विकेट निकालते, उसके बाद 1 विकेट, रिसेंटली मुकाबले 2 विकेट निकालते, बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। स्मॉली की टीम आप इन्हें जरूर से यूज़ कर लीजिएगा, जो कि गाइस आपके लिए बेस्ट प्लेयर रहेंगे। अदरवाइज आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो गाइस ग्रैंडली की टीम में वाइस कैप्टन आप जरूर से यूज़ कर लीजिएगा, या फिर कैप्टन बना सकते हो। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बात करते हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, तो गाइस आपको यहाँ पर सचिन नजर आएंगे, जो कि एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे। स्मॉली की टीम आप यूज़ करना, गाइस यहाँ से तुरंगा को अपने स्मॉली की टीम में यूज़ करना है। ऊपर गाइस ऊपर भी इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एम फरानी से 4 प्लेयर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के लिए, गाइस अपनी स्मॉली की टीम में जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। अदर गाइस आपको यहाँ से निरंगा को भी अपने स्मॉली की टीम में अटैक कर सकते, आप दोनों में से किसी को यूज़ कर लेना, अदरवाइज चाहो तो यहाँ से निरंगा इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको अपने स्मॉली की टीम पर जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर गाइस जो यहाँ पर एएलबी की टीम नजर आएगी, गाइस यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर मोनू लाल नजर आएंगे, जो कि लास्ट मैचेस मेन रोड बैटिंग करने के लिए आए थे, जहाँ पर इन्होंने 40 रन का स्कोर किया, तो उसके पहले गाइस यहाँ पर 49 का स्कोर कर चुके हैं, उसके बाद 3 विकेट निकाले थे, उसके बाद गाइस 0 विकेट, उसके बाद 7 का स्कोर किए थे, और गाइस रिसेंटली मुकाबले 40 का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो स्मॉली की टीम आप जरूर से यूज़ कर लीजिएगा, ग्रैंडली खेलो तो ग्रैंडली की टीम आपको कैप्टन जरूर से यूज़ कर लेना। स्मॉली गाइस काफ़ी बेहतरीन भी बने थे, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे, तो गाइस अपने स्मॉली की टीम अपनी जरूर से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक बार सत्येंद्र राम नजर आएंगे, रिसेंटली मुकाबले कुछ इस तरह से खेले गए थे, पहले मुकाबले 50 जड़ा था, उसके बाद गए 44-40 का स्कोर किया, तो उसके बाद गए 9 रन का, उसके बाद 20 रन का, रिसेंटली मुकाबले देखे तो गए ये 5 का स्कोर कर रहे, तो गए बेहतरीन प्लेयर रहेंगे, आपको अच्छे खासे बैटिंग से परफॉर्म कर देंगे, बॉलिंग से कुछ खास इनका बेहतरीन स्टैट्स रहा नहीं, तो एक्सपेक्ट करना गाइस अपने स्मॉली की टीम अपने यूज़ करना चाहते हो, गाइस थोड़ी सी रिस्क करेंगे तो वैसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे, स्मॉली की टीम अपने जरूर से लेकर चलिएगा। उसके बाद आपको जरवार सिंह नजर आएंगे, रिसेंटली 5 मैचेस खेल चुके हैं, पहले मुकाबले 20-0 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग डाला था, उसके बाद गए 21-0 विकेट, उसके बाद देखे तो गए 10-2 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद देखे तो गए 13-1 विकेट जहाँ पे 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गए यहाँ पर इन्होंने जो रिसेंटली मैचेस खेले गए थे 1 विकेट निकाले थे 2 ओवर के बॉलिंग करके, तो गए बेस्ट प्लेयर रहेंगे स्मॉली की टीम, आप इन्हें जरूर से कर लीजिएगा, जो कि आपको स्मॉली या फिर ग्रैंडी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। रिस्क आपको कवर करना है, आपको ट्राई करना है, अदरवाइज आप जो भी मन कर रहे हो कर सकते हो। वैसे आपको भारतीय नजर आएंगे, रिसेंटली मुकाबले बहुत बेहतरीन जा रहा है, पहला मुकाबला गए 1 विकेट, उसके बाद गए 3 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, उसके बाद गए 0 विकेट, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है स्मॉली की टीम, आप इन्हें जरूर से यूज़ कर लीजिए। ग्रैंडली खेल रहे हो तो कोई याद रहेगा, इस ग्रैंडी की टीम आपको कैप्टन जरूर से यूज़ कर लेना, स्मॉली काफ़ी बेहतरीन भी बजाते हैं। वैसे इसी मॉली नजर आएंगे, रिसेंटली मैचेस कुछ इस तरह से खेले गए थे, पहले मुकाबले 1 विकेट निकाले थे, उसके बाद गए 1 विकेट, 38-1 विकेट, उसके बाद देखे तो गए 1 विकेट, उसके बाद देखे तो गए 40-1 विकेट, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही स्मॉली की टीम, आप जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज आप ग्रैंडली खेलो तो ग्रैंडली की टीम को कैप्टन जरूर से यूज़ करना। उसके बाद अनमोल सिंह नजर आएंगे, रिसेंटली 1 मैचेस खेले गए थे जहाँ पर उन्होंने 11 का स्कोर किया था, उसके बाद प्रवीण कुमार नजर आएंगे, जो गाइस इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज पहले मुकाबले 0 विकेट जहाँ पर एक ओवर का बॉलिंग किया था, उसके बाद गए 0 विकेट, उसके बाद देखे तो गए 23-1 विकेट जहाँ पर एक ओवर का बॉलिंग किए थे, तो अब ग्रैंडली की टीम में यूज़ करना है स्मॉली, कुछ खास इनका बेहतरीन स्टार्ट रहने उस्मान नजर आएंगे, रिसेंटली 1 मैचेस जहाँ पर 3 विकेट निकाले थे, एक ओवर एक ही मैचेस खेले गए थे जहाँ पर 2 ओवर के बॉलिंग किए थे, तो इस मैच में खेलते तो गाइस अपने स्मॉली की टीम अपने जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज बात करते हैं यहाँ पर और कमलजीत सिंह के बारे में, तो गाइस यहाँ पे 2 रिसेंटली मैचेस खेल चुके हैं, पहले मुकाबले 0 विकेट निकाले थे जहाँ पर एक ओवर के बॉलिंग किए थे, उसके बाद गाइस 1 विकेट, 2 ओवर के बॉलिंग करके मोहम्मद जाकी नजर आएंगे, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पहले मुकाबले 3 विकेट, उसके बाद गाइस 0 विकेट, उसके बाद गाइस यहाँ पर 1 विकेट, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। स्मॉली की टीम अपने जरूर से यूज़ कर लीजिए, ग्रैंडली खेल रहे हो तो ग्रैंडली की टीम में कैप्टन जरूर से यूज़ कर लेना, स्मॉली काफ़ी बेहतरीन पिक बजाते हैं। अदरवाइज बात करते हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, तो गाइस आपको अगर मोनू लाल नजर आएंगे, जो कि इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अदरवाइज स्मॉली की टीम अपने जरूर से यूज़ कर ले। सत्येंद्र राम नजर आएंगे, जो कि गाइस इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका स्टैट्स भी बहुत बेहतरीन रहा, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे, स्मॉली की टीम अपने जरूर से यूज़ कर लीजिएगा। जरवार सिंह इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों ऊपर से आपको इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर भारती नजर आएंगे, जो कि इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असीम भी इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर मोहम्मद जाकी भी इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 प्लेयर इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज हम चलते हैं पहले ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो बात करते हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो गाइस आपको यहाँ पर इस गाइस देखो सचिन नजर आएंगे, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे बैटिंग बॉलिंग दोनों से, तो गाइस स्मॉली की में जरूर से ट्राई करेंगे, अदरवाइज स्मॉली के लिए कुछ और खास ऑप्शन रहे नहीं, तो आप ग्रैंडली के टीम अदर प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, स्मॉली गाइस काफ़ी बेहतरीन पिक बजाते हैं, ये शाम को इस मैच में ट्राई किए। और गाइस बात करें तो यहाँ से जो बैटिंग सेक्शन से देखे तो गाइस कुछ खास बेहतरीन किसी का भी स्टैट्स रहा नहीं, अदरवाइज यहाँ से हम इनको ट्राई कर रहे हैं, जो कि आपको कभी कभार बॉलिंग करके देंगे, अदरवाइज यहाँ से अजय कुमार को इस मैच में लो या फिर यहाँ से इनको भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज फ्रांट टीम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिए, जो भी मेरे कम्युनिटी टीम होगी आपको अपना टीम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, तो गाइस टेलीग्राम चैनल पर जरूर से एक्टिव रहेगा, आपको फाइनल टीम आपको वहीं पर अपडेट करेंगे, हालांकि ये मेरे डेमो टीम रहेगी, हालांकि मान के चलो गाइस फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर रहेगी, हालांकि इस टीम से आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है, अपडेट करना है मतलब अपडेट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर रखिए, तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो में किस नेक्स्ट वीडियो के प्रेडिक्शन के साथ, अदरवाइज गाइस याद रखिए मेरे फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो गाइस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन पर चेंजेस कर सकते हो,
जो कि जेसिंग होगी गाइस, एम लाला इस मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज कैप्टन यहाँ पर अदर्स प्लेयर आपको बहुत मतलब गाइस ऑलराउंडर में किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये मेरे मानना रहेगा। अदरवाइज आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो स्टैट्स के अनुसार आप चेंजेस कर सकते हो। और गाइस याद रखिए वेट करना टेलीग्राम चैनल पर, लास्ट में मेरी टीम अपडेट हो देगी। गाइस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी गाइस ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अदरवाइज मिलते हैं इस वीडियो में किस नेक्स्ट वीडियो को प्रेडिक्शन के साथ।